नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में आज के। सो, दोपहर का बच चुका है 12। अभी तक हमारा कोई वर्कआउट हुआ नहीं है। एक्चुअली हमें आज जाना है बेटे के एडमिशन के लिए। काफ़ी दिन से टल रहा था, एक हफ्ता हो चुका है एडमिशन हुए, बट फीस जब तक जमा नहीं होगी तब तक तो कन्फर्मेशन होगा नहीं ना। तो अभी जाना है, कुछ हमारी क्वेरीज है उनके आंसर्स ढूंढेंगे, एडमिशन कन्फर्म करेंगे, फिर वापस आते हैं। तो अभी तक मैं उठ गया था 10 बजे, लेकिन तब से अब तक मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, बैठे ही हुए थे, कुछ मेल्स वेल्स निपटा रहे थे ऑफिस की, और अब मैं ले रहा हूँ ये आधा एप्पल, इसको खाते हैं फटाफट और निकल जाते हैं। उसके बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे अपना वर्कआउट। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया है, क्योंकि सुबह बस केवल आधा एप्पल खाया था, इसलिए हम रास्ते में रुके और हमने पिया है नारियल पानी। दिखाता हूँ आपको नारियल पानी कहाँ पिया है। सो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया है, बेटे का एडमिशन कराना था हमको अपना 4th क्लास में। दिल्ली में पढ़ रहा है वो फिलहाल, बट 2 साल हो गए वहाँ स्कूल नहीं खुले हैं, और केवल उसके स्कूल की वजह से ही हमने अभी तक शिफ्ट नहीं किया है, और वहाँ हम फालतू में अपने घर का रेंट दे रहे हैं। तो बहुत सोचने विचारने के बाद हमने डिसीजन ये लिया कि उसका एडमिशन वहीं करा देना चाहिए जहाँ फिलहाल हम रह रहे हैं, और जब हमारे ऑफिस वगैरह ओपन होंगे तब देखेंगे कहाँ एडमिशन कराना है, क्या करना है। दिल्ली जाना होगा वापस, पर तब तक के लिए हम फालतू घर में रख के अपने सामान को ख़राब नहीं होने दे सकते। हम जब भी गए हमने देखा है कि घर की हालत बहुत ही ख़राब रहती है, ज़्यादातर सामान उसमें नया है, और नया क्या, अब तो पुराना ही हो गया, धूल खा खा के। बट ये है कि रेंट के हम सामान की सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो वो फालतू है। तो 2 साल बाद हमने डिसीजन लिया है, काफ़ी लेट लिया है, बट ले लिया फाइनली। खैर, उसका एडमिशन हो गया अच्छे स्कूल में एक, आज उसकी फ़ीस वगैरह डिपॉजिट हो गई है। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, जो होगा वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, तब तक उसके यहाँ एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स होने के बाद उसकी TC और अदर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी, और जब उन फॉर्मेलिटीज़ के लिए जाएंगे तभी हम अपने शिफ्टिंग का कार्यक्रम भी निपटा लेंगे और शिफ्ट कर जाएंगे अपने घर में, जो कि हमारा नोएडा में। सो देखते हैं बाकी की चीज़ें कैसी रहती हैं। फिलहाल एक स्टेप तो हमने ले लिया, जो हमने डिसीजन लिया था उसको, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हमें लगेगा अभी आधा घंटा और घर पहुँचने में, उसके बाद हम करेंगे अपना वर्कआउट। अब हो गया है काफ़ी लेट, बज गया है 1, 2 या 2:30 बजे से मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक मीटिंग का आज गैप था, इसलिए मैं सोचा ये काम निपटा आता हूँ, एक हफ्ते से पेंडिंग था। और अब बस पहुँच रहे हैं और उसके बाद कर लेंगे वर्कआउट अपना। बैक में पेन है थोड़ा सा, कमर में भी पेन है, वो पेन बना हुआ है, पता नहीं क्यों बना हुआ है, बट वर्कआउट हम करेंगे अपना। कल के हमारे स्टेप्स 25,000 मैंने आपको बताया था, रिकवरी नहीं हो पाई थी उससे एक दिन पहले के 8,000 स्टेप्स की, बट आज हम अपना वर्कआउट करेंगे। और आज लग रहा है कि स्टेप्स कम ही रहेंगे, क्योंकि आधे ज़्यादा दिन तो निकल चुका है, अब तक तो हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका होता है, हम पोस्ट वर्कआउट मील ले चुके होते हैं, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल आज का लेट चल रहा है। कोई बात नहीं, करते हैं इसको वर्कआउट को कंप्लीट। मिलते हैं आपसे स्टैट्स लेके कि कितना वर्कआउट किए, कितने स्टेप्स किए हैं, और क्या कैलोरीज बर्न की हैं, और क्या खाएंगे हम पोस्ट वर्कआउट मील में। अभी तो आपने देख ही लिया प्री वर्कआउट में हमने क्या लिया है, आधा एप्पल और एक नारियल पानी मजबूरी में। मजबूरी मतलब कि खाली पेट नहीं निकल सकते, इतना टाइम आप खाली पेट नहीं रह सकते। खैर, अब घर पहुंचते हैं, बात करते हैं। ड्राइविंग करते समय मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करूँगा, करनी भी नहीं चाहिए। घर पहुंच के मैं आपसे बात करता हूँ, बने रहिए। सो गाइस, अब टाइम हो चुका है 2:30 और हम वापस आ गए थे। हमने कर लिया अपना 1 घंटे का वर्कआउट कम्प्लीट। रात को हमने कुछ वॉक किया था, जो 12 बजे के बाद था। हमने काम करते करते हम कुछ वॉक कर रहे थे, और वॉक करने में होते हमारे अराउंड 3,000 something steps। सो अब तक के जो टोटल स्टेप्स हम कवर कर चुके हैं आज के लिए, वो हो चुके हैं 12,046 steps कम्प्लीटेड। और अब हम लेंगे अपना पोस्ट वर्कआउट मील। जी हाँ, पोस्ट वर्कआउट मील नहीं होगा, अब खाएंगे सीधे लंच। लंच में क्या खाएंगे आपको दिखाऊंगा, और हो रही है हमारी एक मीटिंग शुरू सीधे 1 मिनट में, तो मैं आपको मिलूंगा अब लंच करते टाइम, बस आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। बने रहिए, टारगेट वही रहेगा 20,000 steps का करेंगे पूरा, और बाकी दिन में क्या करते वो भी आपको दिखाएंगे। आज है फ्राइडे का दिन, बट रहने वाला है कंप्लीटली बिजी। होपफुली आप लोगों ने भी लंच कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, टाइम से लंच करना जरूरी है, सेहत के लिए, बने रहिए। सो सैलेड में हम ले रहे हैं थोड़ा सा पपाया, इस पे डाल दिया चाट मसाला। ये चाट मसाला आपको देख के ज़्यादा लग रहा होगा, बट जब इसको मिक्स करेंगे तो नीचे वाले जो पीसेज हैं उसमें पूरा रैप हो जाएगा, और ये थोड़ा ही है। इसके साथ हम ले रहे हैं एप्पल, थोड़ा सा गुआवा, बहुत थोड़ा थोड़ा, ये है ज़्यादा जो कि हमारा खीरा, और ये है ज़्यादा जो कि है मूली। थोड़ा सा आप इस पर देख रहे होंगे पोमीग्रेनेट सीड्स, इसका मतलब अनार, और ये है हमारे ग्रेप्स, थोड़े से, बहुत थोड़े से, बहुत थोड़े से, और यही हम खाएंगे अभी। और इसके बाद हम लेंगे खाना, खाने में दिखाता हूँ क्या खाना। खाने में ये हमारा गाजर मटर, ये है थोड़ा सा राजमा, बहुत थोड़ा सा राजमा, आप देख लीजिए इसमें राजमा दिखाई नहीं दे रहा होगा, राजमे की करी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हम ले रहे हैं लो प्रोटीन डाइट। ये है धनिया की चटनी, ये है मल्टीग्रेन आटे की चपाती, सॉरी ये है जौ की चपाती, माय बैड। और देखिए कितना गर्म है, धुआं निकल रहा है, मस्त। चलिए खाते हैं इसको फटाफट। कहीं बाहर गए थे, वहाँ से अभी अभी आए लौट के, और उसके बाद हमें रात को करीब 9-9:30 बजे फिर से कहीं और जाना था,
और जब आके देखा है तो ये देखा है कि गाड़ी में वो रखा है पंचर फ्लैट टायर, तो कहीं जा नहीं सकते। अब दिखाता हूँ, तो ये अगला टायर, ये पूरा का पूरा फ्लैट हो रखा था और हमें निकलना था कहीं बाहर। तो भाई बहुत कोशिश करी इसका, सबसे पहले तो व्हील कैप निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई, व्हील कैप निकाल दिया। उसके बाद दिक्कत ये हुई कि इसका एक नट तो ये वाला खुल गया, बट इसके ये दो नट नहीं खुल रहे हैं। हमारे वर्कआउट की पावर ने काम नहीं किया, काफ़ी ज़ोर लगाया बट आई थिंक नट जाम हो गया है। और पास से अगर दिखाऊँ तो मैंने इसमें ऑयलिंग भी काफ़ी ज़्यादा की है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नट टस से मस नहीं हो रहा। तो मैं भी गया था, मैंने सोचा किसी मैकेनिक को ले आऊँगा, बट भाई रात में कोई मैकेनिक अवेलेबल नहीं है। दो देवर क्लेमिंग की 24/7 सर्विस है, लेकिन घर बैठ के किसी को हेल्प नहीं कर सकते। तो जाएंगे मॉर्निंग में, फिर मशक्कत करेंगे और इसको सही कराएंगे। और वैसे मैंने उसको अभी इन्फ्लेट किया है टायर को, अगर ये टायर ऐसे ठीक रहता है रात भर तो फिर मैं इस गाड़ी को ऐसे ही चला के ले जाऊँगा और वहाँ जाके पंचर चेंज करवाऊँगा। लेकिन अगर ये रात भर में फिर से फ्लैट हो जाता है तो फिर हम इसको मैकेनिक घर पे लाके ही ठीक करवाना पड़ेगा। और गाड़ी के अंदर ही देखिए मैंने सब सामान डाल दिया है, उसका टायर, उसका व्हील कैप, सब कुछ पड़ा है गाड़ी के अंदर। बट मैं ये चेक करना भूल गया था गाड़ी लॉक है या नहीं, चेक कर लेते हैं। गाड़ी लॉक है, ये देखिए टायर इसी के अंदर डाल दिया मैंने, व्हील कैप भी इसी के अंदर डाल दिया है। अब सुबह के लिए एक काम बढ़ गया है कि सुबह आपको ढूंढना है मैकेनिक जो घर आके आपका टायर चेंज कर दे। तो अब कुल मिला के एक ही ऑप्शन है, वॉक कर लेते हैं और अपने कर लेते हैं स्टेप्स कंप्लीट। अभी तो बहुत सारे स्टेप्स बचे होंगे, मैंने देखे भी नहीं है, बट मैं बाहर आ गया हूँ थोड़ी देर रोड की तरफ, यहाँ करते हैं थोड़ी सी वॉक और देखते हैं कितने स्टेप्स कर पाते हैं। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। रात का 10:30 बज चुका है, डिनर का हो चुका है टाइम। टाइम तो एक्चुअली डिनर का होता है कि आप 7 से 8 बजे तक कर लें, बट हमारा टाइम थोड़ा लेट होता है। तो कोई बात नहीं, खाना तो खा लेते हैं फिलहाल, इसको करते हैं फिनिश और इम्प्रूवमेंट लाएंगे बाद में खाने के टाइम में। दिखा देता हूँ कि खाने में खा क्या रहा हूँ। तो एज ऑलवेज पहले खा रहे हैं सैलड, सैलड में क्या है वो दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ खाना। तो सैलड में है पपीता और ये है खीरा, साथ में है धनिया की चटनी, लौकी की सब्ज़ी, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा दही। वैसे हम रात में दही खाते नहीं, बट आज थोड़ा दही ले लिया क्योंकि लौकी के साथ खाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो लौकी खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एनीवेज दो हैं हमारे पास, जौ की चपाती, इसको करते हैं फटाफट फिनिश और कोशिश करेंगे अपने स्टेप्स पूरे करें। आज पीठ में फिर से बहुत ज़्यादा दर्द है, लेट्स सी कितना कर पाते हैं। टाइम है दिन के कंक्लूजन को डिस्कस करने का, देखते हैं क्या प्रोग्रेस रही है हमारी आज के दिन की। सो मैं खोल लेता हूँ एप्लीकेशन। सो कल के जो हमारे स्टेप्स रहे हैं, मतलब आज के जो हमारे स्टेप्स रहे हैं, वो रहे 20,256 और जो टोटल डिस्टेंस हमने वॉक किया वो किया 14.73 किलोमीटर्स और जो हमने कैलोरीज बर्न किए वो की हैं 888 कैलोरीज। सो ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज लेस बर्न करी हमने अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 960। बट ओवरऑल डे में हम वी आर एबल टू मीट द टारगेट। मुझे इनिशियली ऐसा लगा था कि आज का टारगेट मीट नहीं हो पाएगा क्योंकि दिन की स्टार्टिंग हुई थी काफ़ी लेट और हम काफ़ी सारे अपने कामों में फंसे रहे थे जिसको मैंने इसमें डाला है। दूसरा, आप सोच रहे हो कि मैं गाड़ी का पंचर क्यों आपको दिखा रहा था। गाड़ी का पंचर दिखाने का रीज़न ये था कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा शो स्टॉपर था, जो एक आध घंटा हम अपना वॉक करने में लगा सकते थे, तो वो एक आध घंटा हमने उसको ठीक करने में लगाया, लेकिन वो हुआ नहीं। मैं बाहर गया था मैकेनिक को लेने के लिए क्योंकि उसमें बोल्ट्स खुल नहीं रहे थे, शायद जाम हो गए हैं, बट वो भी नहीं मिले। हर बंदा बोल रहा है कि 24/7 सर्विस है, लेकिन बंदा अवेलेबल नहीं है। फनी है ना, 24/7 सर्विस अवेलेबल है पंचर जोड़ने के लिए, लेकिन बंदा अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, बट दोनों ने मुझे ऐसे ही बोला कि हमारे सर्विस 24/7 है लेकिन बंदा अवेलेबल नहीं है। तो आप जाके उनको बस बता सकते हैं कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, लेकिन सही करने वाला कोई नहीं है। सुनने के लिए 24/7 सर्विस है। लेट्स सी, सुबह 9:10 बजे का टाइम दिया, मैं जाऊँगा वहाँ पर, कोशिश करूँगा कि टायर को एक बार दोबारा से इन्फ्लेट करने की कोशिश करेंगे। अगर इन्फ्लेट हो जाता है और गाड़ी चल सकती है तो ले जाएंगे वहाँ पर, नहीं तो फिर वहाँ से किसी मैकेनिक को लाना पड़ेगा और यहाँ चेंजेस उसके अंदर, सॉरी उसको ठीक कराना पड़ेगा। खैर, वो स्क्रू और बोल्ट जो भी था वो सब कुछ खोलने में वो इतने ज़्यादा जाम थे कि मैंने काफ़ी उसमें प्रेशर लगाने की कोशिश करी, मुझसे ओपन नहीं हुआ। और वो तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन जो मेरी बैक का पेन था वो काफ़ी बढ़ गया, और जब से मैंने वो कोशिश करी तब से वो बहुत ही अनईजी फीलिंग आ रही है। वॉक भी नहीं करते बन रहा है, बैठते भी नहीं बन रहा है, लेटते भी नहीं बन रहा है। देखते हैं कल क्या रहता है, पहले तो कराएंगे गाड़ी ठीक, उसके बाद कराएंगे अपनी मरम्मत, देखते हैं कि क्या रहता है। बट आज के डे को हम करते हैं कंक्लूड। आप रखिए अपना ध्यान, गुड नाइट।